अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। सबसे पहले तो मैं का बजट पेश किया है, वो राजस्थान के इतिहास में एक ऐतिहासिक बजट है और सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है, और बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के हर क्षेत्र के विकास को करने के लिए जो हमने हर क्षेत्र के अंदर प्रावधान रखे गए, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता द्वारा उस बजट को बहुत सराहा गया है और सभी वर्गों द्वारा उसकी प्रशंसा की जा रही है कि निश्चित रूप से जो इस बार का जो बजट आया है वो राजस्थान और जिस तरह से हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है उस सपने को साकार करने के लिए आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी उस सपने को साकार करने के लिए जो बजट जो हमने दिया है उसका रोड मैप आपके सामने है। ये क्रियान्वयन कब शुरू हो जाएगा? आपने देखा होगा कि पहली बार इस तरह का हुआ है कि 10 तारीख को बजट पेश हुआ था विधानसभा में और उसके सेकेंड दिन ही हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत उसके बाद में अधिकारियों की और हमारे सभी मंत्रिपरिषद की बैठक को बुला लिया गया और सभी को तुरंत क्रियान्वयन करने के उनके आदेश दे दिए गए और तुरंत उनको जो है हमारे प्रभारी सचिव भी हमारे बीच में बैठी है कि आप लोग जाइए और वहाँ पे तुरंत उसकी कार्य योजना बनाकर और जो अपनी बजट में घोषणाएं की है उनको धरातल उतारने के लिए। और आज उन्हीं के निर्देशानुसार मैं भी आज जो है जिला स्तरीय बैठक के अंदर आई हूँ और सभी अधिकारियों की मीटिंग ली गई है यहाँ पर और सभी को यही एक मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके बजट घोषणाओं को क्रियान्वयन किया जाए ताकि आम व्यक्ति को आम जनता को उसको राहत मिल सके। मैडम, सबसे प्रायोरिटी पे यहाँ पे निकल गया, निचोड़ निकल के आया, ये हमारी प्रायोरिटी पे है हमारी सरकार का। भीलवाड़ा को लेकर आप देखिए कि यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क बनाया गया जो काफी लंबे समय से यह मांग करी जा रही थी, उपजिला चिकित्सालय बना दिए गए हैं और भी जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर मांग की थी फ्लाइंग स्कूल वगैरह बनाए गए हैं और जितना भी हमारे विधायक महोदय ने जनप्रतिनिधियों ने और जो भी हमारी डिमांड आई थी यहाँ से और पहली बार शायद इस तरह का हुआ है, मेरी अभी जब बात हुई थी कि पहली बार इस तरह का हुआ है कि भीलवाड़ा को जो है एक कई प्रकार की सौगातें दी गई। आप चाहे रोडों के मामले में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप उठाकर देख लीजिए कि भीलवाड़ा के अंदर एक नया एक इतिहास ही रचा है। सभी लोग जो है उसको लेकर खुश है कि निश्चित रूप से जो है इस बार सभी लोगों में एक आशा जगी है बजट को देख कर। जी पर अभी तो बोर्ड को लेकर कुछ हुआ नहीं है। NH-79 का मैडम एक बोर्ड का मामला है, 1000 बीघा भूमि इसकी चिन्हित हो चुकी है, पर ये मामला अभी तक भी अटका हुआ है। ये भी 2013 में जब बजट था CM अशोक गहलोत हुआ करते थे, जब से है तो बहुत हो रही है, लेकिन UIT के अंदर यह करोड़ों नहीं अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हो रखा है जिसको पिछले 15 दिन से प्रकाशित होने के बाद माननीय बनारस जी ने भी परसों विधानसभा में क्वेश्चन पुटअप किया था। मतलब इतनी मुआवजे के रूप में इस तरह से है कि नगर परिषद और नगर विकास न्यास की तो हालत मतलब बद से बदतर है भीलवाड़ा के अंदर, तो जिसका प्रमाण ये मैं आपको दे रहा हूँ कि प्रमाण आप देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन आज की तारीख में यह मॉनिटरिंग और करने वाला या रोकने वाला कोई नहीं है। मैडम एक विकास हमारा मुद्दा ही बीजेपी का यही है कि विकास को करना। हाँ जी, पंडित योजना है जो सरकार ने भूमि आवाज की थी सचिवालय के लिए, वहाँ पे आज भूमाफियाओं द्वारा छोटे आवासीय भूमि को जो राज्य सरकार की भूमि है उस पर छोटे छोटे प्लॉट काट के कॉलोनियां बसाई जा रही है जो नियम विरुद्ध है, लेकिन कोई UIT का अधिकारी कार्मिक कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है जिला प्रशासन, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? यदि इस तरह के कोई भूमि आवंटित होने के बाद भी यदि वहाँ पर अवाप्त होने के बाद भी मान लीजिए किसी ने उसके ऊपर अपने कब्जे कर रखे हैं तो जल्दी से उनको उसके ऊपर उसको एग्जामिन करवा के 513 पर कॉलोनियां काटी जा रही है। मैडम रोड बन गए, आप मौके पे चले, रोड बन गए, लाइटें लग चुकी है और भूमि को अवाप्ती भूमि। आज ही हमने मॉनिटरिंग आज यहाँ पर जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग हुई है और ये मुद्दे जब हमारे सामने आई तो उसको एग्जामिन करने के लिए बोल दिया गया है और वहाँ पर यदि इस तरह के अतिक्रमण हुए हैं तो जल्दी से वो अतिक्रमण नहीं हुआ। मैडम जो गवर्नमेंट ने भूमि आवाप की है उस पे कॉलोनाइजर द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है, जो नहीं काट जो कॉलोनी काटी जा रही है कॉलोनी वालों ने उन्होंने जो है भूमाफियाओं द्वारा तो उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है ना, उन्होंने कॉलोनियाँ काटी है, तो इस तरह का यदि मामला हमारे संज्ञान में आया है तो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों बार में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, एक बार बीजेपी गवर्नमेंट में हो चुकी है, लेकिन लिपा पोती हो जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जांच करेगी ACD, हाँ ACD जांच करे, लेकिन ACD जिस हिसाब फाइलें ही नहीं है वहाँ 48 फाइलें गायब है, उन फाइलों का क्या होगा? जो फाइलें
न्यास रिकॉर्ड से गायब है तो आज की तारीख में अधिकारी और कार्मिक ही जिम्मेदार हुआ ना भाई, न्यास की रिकॉर्ड ही फाइल लगा के गायब हो सकती है। निश्चित रूप से आपने जो मुद्दा उठाया है और आपकी चिंता जो है वो बिल्कुल वाजिब है, और जो भी दोषी अधिकारी है उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और उनको सजा मिलेगी। जी, इस तरह का एक विकसित भारत बनाने का एक सपना देखा, और आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने भी भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान को बनाने का, कि पिछले बार जितने भ्रष्टाचार हुए उन सब से जो है अलग हटके इस बार जो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे, आपने देखे कि पिछली गवर्नमेंट में हुए थे सारे भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ आते ही हमने तुरंत एसीबी के उसको भेज दिया कार्यवाही करिए, और उसमें हमें थोड़ा सा उसमें जो एग्जामिन करने में जितना जो एक यूजुअल टाइम लग रहा है, लेकिन निश्चित जल्दी ही आपको इसके बारे में जो है फाइल ही नहीं है, रिकॉर्ड ही गायब है आपका सरकार का, तो आप किसको एग्जामिन कराइएगा? बिल्कुल एग्जामिन तो है, अपने जो पब्लिक की ओपिनियन होगी वो लेंगे, और जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स या जिस तरह से भी होगी आज जो दोषी अधिकारी होंगे उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। मैडम जब रोडे बनी नहीं वहाँ पे कृषि भूमि पे आज की तारीख में खेती की जा रही है उसका मुआवजा दे दिया गया, और बिल्डर जो है इसमें संलिप्त है और बड़े बड़े सफेद पोश संलिप्त है, तो आज की तारीख में दिखती चीज को भी आज की तारीख में आगे बंद करके कैसे देखा जा रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल, आपका जो मुद्दा उठाना बिल्कुल जायज है और आपकी चिंता होना भी बिल्कुल जायज है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है और आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि जल्दी ही जो है हम दोषी व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही करेंगे और उसके ऊपर एग्जामिन करवाएंगे। मैडम जिस हिसाब से एसीबी कार्रवाई कर रही है आज की तारीख में भीलवाड़ा की जनता को तो विश्वास नहीं, क्योंकि पहले दो बार कार्रवाई कर चुकी है और दो बार फाइलें दफ्तर दाखिल हो चुकी है। शायद पिछले बार की गवर्नमेंट की वजह से आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इस प्रकार की कार्रवाई हो गई, लेकिन इस बार आप विश्वास रखिए कि आप देखिए कि कितनी जल्दी कार्रवाई होती है और भीलवाड़ा को उससे राहत मिले। नामचिन भू माफिया और नामचिन सफेद पोश तो जल्दी ही जाओ दोषी व्यक्ति जैसे उनके ऊपर दोषियों की वो उनके ऊपर दोष सिद्ध हो जाएगा तो हम उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। भूतपूर्व जो हमारे नगर विकास न्यास के चेयरमैन थे भाजपा के, उनके खिलाफ भी आज पेपर में न्यूज आई है कि उन्होंने भी जो किराए की जमीन राज्य सरकार ने उनको दी उसको एक बीघा कमर्शियल करा के उन्होंने भी उसका पटेल नगर में 25,000 फुट का मुआवजा उठाया है। अखबार में आपने न्यूज दिखवाई है, निश्चित रूप से उस पर संज्ञान भी लिया जाएगा और उसको एग्जामिन भी करवा लिया जाएगा कि वास्तव में जो है सही क्या है गलत क्या, और उसके ऊपर जो है कार्यवाही की जाए। कोई पुराना कार्यकर्ता इस तरह का अगर कार्य करता है तो पार्टी उसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है? निश्चित रूप से यदि कोई दोषी व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मोदी जी का भी एक ही सपना है कि दोषी व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा चाहे वो कोई भी हो, उस पर कार्यवाही तो होगी होगी। आपको भी लेटर दिया मैडम इस पे, आप बिल्कुल बिल्कुल हम लोग भी इस पे संज्ञान लेंगे और आप विश्वास रखिए जल्दी जो है ये राजनीतिक नियुक्तियां कर दी जाए। ठीक मैडम, चले आप सब लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।